आप अभी क्या पीड़िता या पीड़िता के परिजन से मिलकर आ रही हैं, उनकी क्या स्थिति है? मैं अंदर मैं नहीं मिली हूँ, क्योंकि बच्ची की स्थिति अभी ठीक नहीं है, इसलिए मिला नहीं, मिलना उचित भी नहीं है मिलना। और यहाँ पर जो उनके रिश्तेदार बैठे थे उनसे मिलके मैं आ रही हूँ। परिजनों का क्या कहना है? परिजनों का भी कुछ कहना नहीं है, उनका उनका तो बस यही है कि बच्ची ठीक हो जाए। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह देखती हैं, और आप क्या चाहती कि इस पर क्या एक्शन लिया जाए और इस पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए सरकार के द्वारा? नहीं, सरकार के द्वारा तो देखिए कि सरकार तो तुरंत एक्शन ले लिए, सरकार के द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई, ये नहीं हम कह सकते कि कार्रवाई नहीं हुई है। जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना उचित है, और सरकार निर्णय भी लेती है कि हम कार्रवाई करें, कठिन से कठिन कार्रवाई, और ऐसे दरिंदों का बिल्कुल छोड़ना नहीं है। मैहर जो देवी का स्थान माना जाता है, जहाँ पर कन्या की पूजा की जाती है, उस स्थान पर एक 13 साल की बच्ची के साथ ऐसा अपराध मानवता को शर्मसार करने वाला है। तो ऐसे कौन से कदम लें कि ये जो अपराध लगातार हमारा विकास इतनी तेजी से हो रहा है, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो लड़कियों के मामले में अभी भी जो ये घटनाएं हैं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, तो इस पर ऐसी क्या कार्रवाई की जाए कि ये घटनाक्रम पे कहीं ना कहीं हम अंकुश लगा सकें? बिल्कुल, अपराधियों का कठिन कार्रवाई की जाए, उनको फांसी दी जाए, और सरकार तो अभी देखिए एक्शन ली है कि उनको तुरंत गिरफ्तार करके तुरंत वो कार्रवाई करके अंदर कर दिए, उनके घर में भी तुरंत जाके वहाँ बुलडोजर का भी काम चल रहा है, आप लोग जान ही रही हैं। और इसमें हमारी आपकी सबकी भूमिका है कि हम समाज के लोग भी इसके लिए आगे बढ़ें, और सामाजिक लोग जब हम आगे बढ़ के और समाज का जब काम करेंगे तभी अच्छा हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।